ये हमने हाफ के जी चिकन लिया है, उसको बनाने के लिए हम क्या क्या मसाला यूज करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। ये हमने 8-10 लहसुन की कली ली है, छोटे टुकड़ों में हमने अदरक काट रखा है, ये लौंग है, 2 छोटा स्पून जीरा है, काली मिर्च है और 2 हरी मिर्च, 1 तेज पत्ता। बड़े साइज का हमने एक प्याज लिया है, इसको हमने इस तरीके से काट लिया है। ये हमने एक मिक्सिंग जार लिया है, उसमें हम डालेंगे जीरा, काली मिर्च, लौंग, अदरक के कटे हुए टुकड़े, लहसुन की कली। ये देखिए हमारा पेस्ट बन के तैयार है। ये हमने कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है, अब हम उसमें सरसों का तेल डालेंगे। देखिए तेल अच्छे से गरम हो गई है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे, 1 तेज पत्ता डालेंगे। उसके बाद अब इसमें प्याज डालेंगे जो हमने काट के रखे थे। इसको हम हल्के गोल्डन होने तक पकाएंगे। ये देखिए हमारे प्याज पकने लगे हैं और गोल्डन गोल्डन हो गए। इसको हमको पूरी तरह से गोल्डन नहीं करना है, ऐसे ही इतना पकाना है हल्का हल्का गोल्डन होने तक। अब इसमें हम पेस्ट डालेंगे जो पेस्ट हमने बनाया था। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज का पेस्ट डालने से चिकन की ग्रेवी में स्वाद अच्छा नहीं होता है, स्वाद खराब हो जाता है। प्याज को ऐसे डाल के ग्रेवी बनाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसका। स्टेप बाय स्टेप से मसाला डालने से सारे मसाले आराम से पक जाते हैं। हम इसको अच्छे से पकने तक चलाते रहेंगे ताकि ये मसाला चिपक ना जाए। ऐसे हम चलाते जाएंगे इसको। इतने अच्छे से पक चुके हैं, इस पे हम डालेंगे अब हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च, मिर्च आप अपने हिसाब से डालिए। उसमें हम लोग 1 चम्मच धनिया पाउडर यूज करेंगे। अभी हमने मसाला डाला है इसलिए इसमें हम थोड़ा सा अभी पानी ऐड करेंगे ताकि ये मसाला भी अच्छे से पक जाए। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। इस पे हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से पक चुका है, ये तेल छोड़ने लगा। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। इसको हम 5 मिनट तक ऐसे चलाते रहेंगे ताकि चिकन के अंदर अच्छे से मसाले का सारा फ्लेवर चला जाए और चिकन भी पक जाए। चलाते रहेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपक ना जाए। नीचे चिपकने से स्वाद खराब हो जाता है। देखिए हमारा चिकन पकने लगा है। इसको हमने 5 मिनट तक पकाया, सारा
अच्छे से पक चुका है, चिकन और तेल अलग हो गए हैं। इसमें हम अब पानी ऐड करेंगे। पानी को हमने पानी ऐड कर दिया हमने, बस इसको हम 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। दस मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट हो गए, देखिए कितने अच्छे से पक गई, तेल ऊपर आ रहा है। चला के देखते हैं हम उसको। इसमें से एक बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसको इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे जो हमने काट लिया बीच में से। इसको डालने से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद हम अच्छे से चलाएंगे हल्के हल्के। अब 5 मिनट के लिए फिर ढक देंगे और गैस को हम लो कर देंगे ताकि गरम मसाले का फ्लेवर अच्छे से चिकन के अंदर जाए। अब हम इसको लीड खोलेंगे, देखिए कितने अच्छे से पक चुका है ये। अब हम अपने गैस को बंद करेंगे, इसको अब हम सर्व करेंगे। देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको सर्व करते हैं।